आप में से जो भी बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, वो ऑब्वियसली उनको सॉल्व भी नहीं कर पाएगा। तो यार आज के वीडियो के अंदर मैं उन प्रॉब्लम्स के बारे में आपको बताऊंगा जो कि नीट की प्रिपरेशन के अंदर आपको फेस करनी पड़ रही होंगी इस टाइम पर। शुरुआत करते हैं आज का वीडियो, राइट। पहली प्रॉब्लम, आपने किसी ऐसे कोर्स में अपने आप को एनरोल कर लिया है जिसमें आपको अपना सिलेबस ही टाइम पर कंप्लीट होते हुए नजर नहीं आ रहा। दूसरी प्रॉब्लम, आप अभी भी कंफ्यूज हो इस बात को लेके कि कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा ध्यान देने लायक है और कौन सी चीजों को छोड़ा जा सकता है। तीसरी प्रॉब्लम, आपकी लाइफ में सेल्फ प्रैक्टिस और रिविजन नाम की चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी। चौथी प्रॉब्लम, आप अभी भी कंफ्यूज होंगे इस बात को लेके कि आपको कौन सा स्टडी मटेरियल जो है वो ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सकता है। पांचवी प्रॉब्लम, आपने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट ही नहीं किए होंगे और अगर कर दिए तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे होंगे। और सिक्स्थ प्रॉब्लम, जैसे जैसे एग्जाम करीब आ रहा है आपको बहुत ज्यादा प्रेशर फील हो रहा होगा। लास्ट टाइम का जो प्रेशर है वो अभी से आपको फील होने लगा होगा, एंग्जाइटी अभी से आपको होने लगी होगी। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि यार ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है वो अलग अलग प्रॉब्लम्स है, किसी एक प्रॉब्लम को पकड़ेंगे सॉल्व करेंगे, फिर दूसरी को पकड़ेंगे सॉल्व करेंगे और इस तरीके से हमारा काम आसान हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपस में इंटर रिलेटेड है। दीज प्रॉब्लम्स आर अ पार्ट ऑफ अ ग्रेट विशियस साइकिल जिसमें आप फंस चुके हो और आपको उससे जितना जल्दी हो बाहर निकलना है। तो देखो, आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पा रहा। अब सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पा रहा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं हो पा रहा, और आपके अंदर जब कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप जिस मॉक टेस्ट के अंदर अपने आप को अपीयर करवा रहे हो उसमें आप क्योंकि बिना कॉन्फिडेंस के जा रहे हो तो आपका अच्छा स्कोर नहीं आ पा रहा होगा। अब जब मॉक टेस्ट के अंदर अच्छा स्कोर नहीं आ पा रहा और आपको उसका कारण पता है कि सिलेबस हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप जल्दी जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे होंगे। और अगर आप जल्दी जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करोगे और आपको ये नहीं पता होगा कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें छोड़ने लायक है, तो ऑब्वियसली आपकी बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी, आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। और अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे, चीजें आधी अधूरी दिमाग के अंदर बैठेंगी, तो फिर आपको काफी ज्यादा प्रेशर और काफी ज्यादा एंग्जाइटी फील होने लगेगी जैसे जैसे आपका एग्जाम करीब आएगा। तो देखा, सारी की सारी प्रॉब्लम्स रिलेटेड है। अगर अपन किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो बाकी सारी प्रॉब्लम्स हमें उसको सॉल्व नहीं करने देगी। हमें कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी अपनानी होगी कि इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर एक साथ अटैक किया जाए। तो आने वाले वीडियोस के अंदर मैं इसी तरीके की कुछ स्ट्रेटेजीज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। फिलहाल के लिए आप जस्ट सोचो, अपने आप से पूछो कि आपको किस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है अपनी प्रिपरेशन के अंदर फील करनी पड़ रही है, उनको रिकॉग्नाइज करो। वंस यू विल रिकॉग्नाइज देम, देन यू विल एबल टू सॉल्व देम, तब जाके सॉल्व कर पाओगे आप उनको। तो यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में और कमेंट्स के अंदर मुझे आपकी प्रॉब्लम्स बताओ, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आप शेयर करोगे उतना ज्यादा बेटर स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर पाऊंगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लो, क्योंकि इसी तरीके के वीडियोस आप अगर मिस नहीं करना चाहते तो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए